हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 10 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का हर एक फैक्ट काफी ध्यान से सुने, क्योंकि लास्ट में आपको दो क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD एंड CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD एंड CEO बन गए हैं जे वेंकट रामू। ये देखिए, ये हैं जे वेंकट रामू। रिसेंटली ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD एंड CEO बन गए हैं। अभी तक जे वेंकट रामू इक्विटास स्मॉल फिनांस बैंक में चीफ डिजिटल ऑफिसर थे और अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD एंड CEO बन गए हैं। जे वेंकट रामू ने किसको रिप्लेस किया है? तो सुरेश सेठी को जे वेंकट रामू ने रिप्लेस कर दिया है। बात करें इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो RBI द्वारा इसको सितंबर 2018 में पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया गया था और अब इसके नए MD एंड CEO जे वेंकट रामू बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में लिटरेचर की फील्ड का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? 2020 में लिटरेचर की फील्ड का नोबेल प्राइज मिला है लाउजी ग्लक को। ये देखिए, ये हैं लाउजी ग्लक। ये अमेरिका की जानी मानी पोएट हैं। इस बार यानी 2020 में लिटरेचर की फील्ड का यानी साहित्य का नोबेल प्राइज लाउजी ग्लक को दिया गया है। देखिए, लाउजी ग्लक की बात करें तो 1968 में इनका डेब्यू पोएट्री वर्क आया था, उसका नाम था फर्स्ट बॉर्न। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछे फर्स्ट बॉर्न ये किसकी पोएट्री वर्क है, तो वो लाउजी ग्लक का पोएट्री वर्क है। और इस बार 2020 में लिटरेचर की फील्ड का नोबेल प्राइज भी लाउजी ग्लक को मिला है। आप इतना रखिएगा, अमेरिका से बिलोंग करती हैं। अब तक टोटल 117 लोगों को लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज मिल चुका है। फर्स्ट जो मिला था 1901 में, वो मिला था सोली प्रधोम को लिटरेचर की फील्ड का फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तारा के साथ मिलकर किसके द्वारा को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया गया है? तो विस्तारा के साथ मिलकर एक्सिस बैंक द्वारा को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया गया है। ये एक तरह का ATM कार्ड होगा। इसमें क्या होगा, देखिए 16 फॉरेन करेंसीज को इसमें लोड किया जाएगा। आप फॉरेन में ट्रेवल करते हुए आप वहाँ पे जाके अपनी करेंसी निकाल सकते हैं उस देश की करेंसी में। तो आप इतना देखिएगा, ये जो को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड है इसमें 3 लाख तक का इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप देखिएगा, को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड को लॉन्च किया गया है विस्तारा और एक्सिस बैंक द्वारा जॉइंटली। टोटल 16 करेंसीज में इसको लोड किया गया है। अगर बात करें एक्सिस बैंक की, जिसने इसको लॉन्च किया है, तो 1993 में एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और वर्तमान में MD एंड CEO कौन है, अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेमस पर्सनालिटीज रिसेंटली इनका निधन हो गया। पहले हैं रामविलास पासवान, इनको आप सभी लोग जानते हैं। अभी तक ये कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर थे, इनका रिसेंटली देहांत हो गया, जिसके बाद पीयूष गोयल कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर बन गए। देखिए 2000 में, सन 2000 में रामविलास पासवान द्वारा LJP लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना बिहार में की गई थी। अभी तक हाजीपुर सीट बिहार में लोकसभा की सीट है, वहीं से जीतकर ये MP बनते थे। नेक्स्ट कौन है, ये देखिए, ये हैं आपके विशाल आनंद, रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। विशाल आनंद जाने माने फिल्म एक्टर थे। तो रामविलास पासवान और विशाल आनंद दोनों लोगों का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए किसने SBI के साथ 3 MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है? तो गुजरात में क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए नाबार्ड द्वारा SBI के साथ 3 MOU साइन किए गए हैं। ये जो क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ये डिफरेंट सेक्टर की डिफरेंट सोसाइटीज को प्रोवाइड किया जाएगा। गुजरात में भी स्पेशली अहमदाबाद में ही क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इतना देखिएगा, नाबार्ड और SBI के बीच में 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, ताकि गुजरात में लोगों को क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको कि नाबार्ड द्वारा गवर्नमेंट के वॉस प्रोग्राम के लिए 800 करोड़ का फंड अनाउंस किया गया है। कितना, 800 करोड़ का। नाबार्ड की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, देखिए बी शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर 1981 में नाबार्ड एक्ट पास हुआ, जिसके बाद 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, गोविंदा राजलू चिंतला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DBT बैरक क्लीन टेक डेमो पार्क को नई दिल्ली में किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो DBT बैरक क्लीन टेक्नोलॉजी पार्क, इसको इनॉग्रेट किया गया है नई दिल्ली में डॉक्टर हर्षवर्धन, ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। इन्हीं के द्वारा DBT बैरक क्लीन टेक्नोलॉजी डेमो पार्क का इनॉग्रेशन किया गया है
नई दिल्ली में। डीबीटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायरैक मतलब बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, ये है बायरैक का फुल फॉर्म। ये एक तरह का क्लीन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन पार्क है जो नई दिल्ली में ओपन किया गया है। इसमें क्या होगा, वेस्ट से क्लीन एनर्जी कैसे बनाई जाए, तो इसके विषय में एक डेमो पार्क स्थापित किया गया है जिसका नाम है डीबीटी बैरैक क्लीन टेक्नोलॉजी डेमो पार्क। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इनॉग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। और ये जो डीबीटी बैरैक क्लीन टेक्नोलॉजी डेमो पार्क है, ये किसका इनिशिएटिव है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ के इम्पैक्ट विंग द्वारा सरला पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो आईएमएफए के इम्पैक्ट विंग द्वारा इस बार का सरला पुरस्कार दिया गया है नित्यानंद नायक, नित्यानंद नायक को सरला पुरस्कार दिया गया है। ये हैं नित्यानंद नायक, ओडिशा के जाने माने पोइट हैं यानी कवि हैं, इनको इस बार का सरला पुरस्कार दिया गया है आईएमएफए के इम्पैक्ट विंग द्वारा। देखिए इनकी एक फेमस पोएट्री बुक है, उसका नाम है सेट्टे बिलाकू, क्या सेट्टे बिलाकू नाथिबा। तो आप इतना जरूर देखिएगा 2017 में जो आपके नित्यानंद नायक हैं इन्होंने पोएट्री लिखी थी जिसका नाम था सेट्टे बिलाकू नाथिबा। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार का सरला पुरस्कार दिया गया है नित्यानंद नायक को, और नित्यानंद नायक ओडिशा के जाने माने कवि हैं, तो आप इतना जरूर देखिएगा। ये सरला पुरस्कार में 5 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है, साथ ही साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, साइटेशन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट द्वारा इंडिया और किस कंट्री के बीच में जो साइबर सिक्योरिटी पैक्ट था उसको अप्रूवल दे दिया गया है। तो रिसेंटली कैबिनेट यानी पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसने इंडिया और जापान के बीच में जो साइबर सिक्योरिटी पैक्ट हुआ था उसका अप्रूवल कर दिया है। तो आप ये भी कह सकते हैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में इंडिया और जापान ने MOC साइन किया था, क्या MOC, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। तो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जो मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया था इंडिया और जापान ने, उसका अप्रूवल दे दिया है कैबिनेट ने। तो अब दोनों कंट्रीज मिलकर 5G टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी पर एक दूसरे को कॉपरेट करेंगी, तो आप इतना जरूर याद रखिएगा। जापान की बात करें तो यह है मैप में जापान। रिसेंटली इंडिया और जापान के बीच में जिमेक्स नेवल एक्सरसाइज का 4th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ पे, नॉर्थ अरब सी में। जिमेक्स इंडिया और जापान के बीच में होने वाली बाई एनियल एक्सरसाइज है। जो 2018 एडिशन हुआ था वो विशाखापट्टनम में हुआ था, और इस बार का 2020 का नॉर्थ अरब सागर में हुआ है, आप इतना देखिएगा। जापान की पीएम कौन है, तो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं योशी हिदे सुगा। कौन, योशी हिदे सुगा। जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी क्या है, येन, और जापान की पार्लियामेंट का नाम क्या है, ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पोस्ट डे, विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। और वहीं वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे किस दिन मनाया जाता है, तो वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे 1 अक्टूबर और वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे नेशनल पोस्ट डे कब मनाया जाता है, तो वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी एक दिन बाद वर्ल्ड पोस्ट डे के। इस बार का जो वर्ल्ड पोस्ट डे है उसका थीम क्या है, वी हैव ऑलवेज डिलीवर, यानी हमें हमेशा डिलीवरी देनी होगी। COVID-19 क्राइसिस के चलते ऐसा थीम रखा गया है वर्ल्ड पोस्ट डे का, वी हैव ऑलवेज डिलीवर्ड। अच्छा, ये 9 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्ट डे, क्योंकि इसी दिन यानी 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई थी जर्मनी के बर्लिन में, तो आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान सर्किल वेंचर्स, इसको किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। तो ज्ञान सर्किल वेंचर्स को इनॉग्रेट किया गया है रमेश पोखरियाल, जिनको निशंक के नाम से जानते हैं। रमेश पोखरियाल जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने ज्ञान सर्किल वेंचर्स का इनॉग्रेशन कर दिया है। कहाँ पे इनॉग्रेशन किया है, IIIT चित्तूर में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। IIIT चित्तूर में इसका इनॉग्रेशन किया गया है ज्ञान सर्किल वेंचर का। ये जो ज्ञान सर्किल वेंचर है इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा फंड प्रोवाइड किया गया है, आप इतना याद रखिएगा। ज्ञान सर्किल वेंचर, देखिए टाइड 2.0 के तहत एक इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में काम करेगा। अब टाइड क्या है, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये है आपका टाइड। तो आप देखिएगा ज्ञान सर्किल वेंचर IIIT चित्तूर आंध्र प्रदेश में इनॉग्रेशन किया गया है, इसका किसके द्वारा, रमेश पोखरियाल द्वारा, वर्चुअल तरीके से किया गया है। अच्छा, IIIT का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AMFI के चेयरमैन वापस री इलेक्ट कौन हुए हैं। तो रिसेंटली AMFI के वापस से री इलेक्ट हुए हैं चेयरमैन नीलेश शाह।
AMFI मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, वापस से इसके चेयरमैन बन गए हैं नीलेश शाह। अच्छा, इसके वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? तो सौरभ नानावती, सौरभ नानावती AMFI के वाइस चेयरमैन बन गए हैं। तो आप इतना याद रखिएगा, सौरभ नानावती वाइस चेयरमैन और नीलेश शाह वापस से चेयरमैन बन गए हैं। AMFI की बात करें, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, देखिए सेबी के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था, कब? 1995 में। टोटल 44 मेंबर हैं AMFI में, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, और अब इसके वापस चेयरमैन कौन बन गए हैं? नीलेश शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग के लिए किसके द्वारा IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप की है? तो ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग के लिए अमेज़न ने IRCTC के साथ पार्टनरशिप की है। अब क्या होगा, जो अमेज़न पे है उस पर एक अलग से ऑप्शन होगा जिससे आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं IRCTC के थ्रू। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने अमेज़न के साथ पार्टनरशिप की है ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग के लिए। बात करते हैं अमेज़न की, तो 1994 में अमेज़न की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका सियाटल वॉशिंगटन में है, और CEO कौन है इसके? फाउंडर एंड CEO हैं जेफ बेजोस। रिसेंटली अमेज़न ने तमिलनाडु में अपना एक फुलफिलमेंट सेंटर स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 31 मार्च 2021 तक बैंकों के लिए वन टैप TLTRO कितने का अनाउंस किया है? तो रिसेंटली RBI द्वारा 1 ट्रिलियन, कितना? 1 ट्रिलियन इंडियन रुपीस का टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में क्या होता है? देखिए, जो रेपो ऑपरेशन होते हैं यानी रेपो रेट जो दिया जाता है करेंसी, वो 14 डेज के लिए ही होती है, यानी शॉर्ट टर्म होती है। लेकिन टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, एक निश्चित पीरियड के लिए RBI इतना फंड बैंकों को प्रोवाइड करेगा और उसी अवधि में बैंकों को वो वापस करना होगा। जो ये 1 ट्रिलियन इंडियन रुपीस का टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है, इसको 3 ईयर्स के लिए, यानी 3 वर्ष के टेन्योर के लिए लॉन्च किया गया है। हालांकि बैंक 31 मार्च 2021 तक ही इस लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन का फायदा उठा सकती हैं। तो आप देखिएगा, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा 1 ट्रिलियन इंडियन रुपीस का टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन अनाउंस किया गया है, जो 31 मार्च 2021 तक ही अवेलेबल है। देखिए, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक हुई थी, उसमें यह भी कहा गया कि फिनेंशियल ईयर 21 के दौरान इंडिया की GDP 9.5% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो RBI ने 9.5% कॉन्ट्रैक्ट कहा है, और वहीं वर्ल्ड बैंक ने कहा है 9.6% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 मेंबर्स अपॉइंट किए हैं, और मैंने पहले बताया था 3 मेंबर्स RBI से होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मिनिमम 4 बार बैठक होनी अनिवार्य है एक वर्ष में, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबाह अल खालिद, इन्होंने किस कंट्री के PM पोस्ट से रिजाइन कर दिया है? तो सबाह अल खालिद ने कुवैत के PM पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। ये हैं सबाह अल खालिद, अभी तक ये कुवैत के प्राइम मिनिस्टर थे, नवंबर 2019 में बने थे। अब सबाह अल खालिद ने कुवैत के प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने था कुवैत के रूलर शेख सबह, क्या आमिर शेख सबह का निधन हो गया था। तो जहां सबह आ जाए तो आप ये सोचिएगा कुवैत के ही हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस और FIA की रिपोर्ट के अनुसार SO2 का लार्जेस्ट एमिटर कौन सी कंट्री है? तो ग्रीन पीस की रिपोर्ट के अनुसार सल्फर डाइऑक्साइड का लार्जेस्ट एमिटर है इंडिया। इंडिया सल्फर डाइऑक्साइड का लार्जेस्ट एमिटर है। देखिए, अगर देखा जाए 2019 के दौरान, तो सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन में इंडिया में 6% का डिक्रीज देखा गया है। कितना? 6% का डिक्रीज। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए ऑल ओवर वैल्यू वाइज, तो इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट एमिटर है सल्फर का, तो आप इतना याद रखिएगा। बात करें अगर ग्रीन पीस की, तो एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर है। रिसेंटली क्रिया और ग्रीन पीस ने सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन पर जो रिपोर्ट जारी की थी, उसमें बताया गया कि सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन में इंडिया फर्स्ट है, रशिया सेकंड है और चाइना थर्ड है। क्रिया क्या है? ये दिल्ली स्थित एक संस्था है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, इसने ग्रीन पीस के साथ मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है। तो इंडिया, रशिया, चाइना टॉप 3 कंट्री हैं सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन में। ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर याद रखिएगा एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम दर्शन स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है? तो ग्राम दर्शन स्कीम लॉन्च की गई है हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा। रिसेंटली हरियाणा के CM चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने ग्राम दर्शन स्कीम लॉन्च कर दी है, या फिर यूं कहें कि डिजिटल ग्राम दर्शन स्कीम लॉन्च कर दी है। इसमें क्या होगा,
ग्राम पंचायतों में होने वाले सारे कामों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। क्या ग्राम पंचायतों में जो फंड प्रोवाइड किया जाता है उनको काम करने के लिए बोला जाता है, कई सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी ग्राम दर्शन स्कीम के तहत, जिसको लॉन्च किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। ये मैप में देखिए हरियाणा, ये है हरियाणा। सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। देखिए जो फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम है वो नेक्स्ट ईयर हरियाणा के पंचकुला में ही होने हैं। साथ ही साथ आप ये जरूर याद रखिएगा कि किसान मित्र सभी विलेजेस में किसके द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने किसान मित्र अपॉइंट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 यार्ड्स ये एक मेल ग्रूमिंग ब्रांड है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 23 यार्ड्स को लॉन्च किया गया है रवि शास्त्री। रवि शास्त्री ने 23 यार्ड्स को लॉन्च कर दिया है, जो कि मेल यानी कि जो पुरुष होते हैं उनको सजाने वाला एक ब्रांड है। 22 यार्ड्स की तो पीछे ही होती है, बाद में जो 1 यार्ड है वो ग्रूमिंग के तौर पर याद यूज़ किया जाएगा। रवि शास्त्री ने इसको लॉन्च कर दिया है 23 यार्ड्स। देखिए इसके लिए रवि शास्त्री ने एडोर मल्टी प्रोडक्ट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप किया है। किसके साथ? एडोर मल्टी प्रोडक्ट पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्क प्राइजेस पर कैपिंग करने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट कौन बन गया है? तो मास्क प्राइजेस पर कैप करने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है महाराष्ट्र। रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जितनी भी मास्क हैं उनको एक निश्चित प्राइस से ऊपर नहीं बेचा जाएगा। इसके तहत जो N95 मास्क हैं उनकी क्वालिटी के हिसाब से उनका प्राइस 19 रुपीज़ से लेकर 50 रुपीज़ के आसपास रखा जाएगा। बाकी जो नोटिफिकेशन आएगा वो बात अलग है, लेकिन आप याद रखिएगा मास्क प्राइसेस पर कैप करने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट कौन है? महाराष्ट्र। उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये भी ट्राई कर रही है कि सैनिटाइजर्स का भी प्राइस कैपिंग कर दिया जाए। महाराष्ट्र की बात करें तो ये है मैप में महाराष्ट्र। सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, जो कि गोवा के भी गवर्नर हैं वर्तमान में। महाराष्ट्र आप याद रखिएगा मेलघाट टाइगर रिजर्व इस समय बहुत चर्चा में है, महाराष्ट्र का पहला टाइगर रिजर्व है। ये हैं आज की वीडियो से क्वेश्चन, आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।